बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र, और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों में बलूगत का आगाज़ कब होता है और बलूगत के दौरान माँ को क्या किरदार अदा करना चाहिए। हर बच्चे में बलूगत के आगाज़ की उम्र मुनफरद होती है। आम तौर पर जिस्मानी तब्दीलियाँ 10 साल की उम्र में शुरू होती हैं। ज्यादातर लड़कियों की पहली माहवारी छातियां बनना शुरू होने के 2 साल के बाद होती है। आमतौर पर लड़कियों की माहवारी का पहला दौरानिया तब शुरू होता है जब वो 12 से 13 साल की होती हैं। कुछ लड़कियों की पहली माहवारी का दौरानिया 8 से 9 साल की उम्र में शुरू होता है। बाकी लड़कियों की मुमकिन है कि तब तक माहवारी शुरू ना हो जब तक वो 9 उम्री के औसत तक न पहुंच जाए। 15 से 16 साल की उम्र तक लड़की का जिस्म बालिग होने के तनासब तक पहुंच जाता है। नौजवान औरतों के निप्पल और इसके इर्द गिर्द का हिस्सा गहरा होता है। इनके कोहले, चौड़े जेरे नाफ बाल मोटे और मोटी राने होती हैं। अगर आपकी बेटी 8 साल की उम्र से पहले बलूगत की अलामात जाहिर करना शुरू कर दे तो अपनी बेटी के मालिज से मिलें। अगर आपकी बेटी 15 साल की उम्र तक बलूगत की अलामात जाहिर ना करे तो भी मालिज से मशवरा कर लेना चाहिए। बलूगत के बारे में सवाल पूछने के लिए अपनी बेटी का हौसला बढ़ाएं। अपनी बेटी को बगैर किसी डर और फैसले के खुलकर बात करने को कहें। अगर आपकी बेटी के दोस्त और इंटरनेट इसके लिए तरीन का वाहिद जरिया हों तो मुमकिन है कि वो गलत मशवरा हासिल कर ले। अगर आपकी बेटी ने आपसे इस मौजू पर बात ना की हो और वो बलूगत के नजदीक हो तो आप बातचीत का आगाज इस सवाल के साथ कर सकते हैं कि बेटा आप बलूगत के बारे में क्या जानती हो। आप इसको वो तमाम मालूमात दें जिनकी आपके मुताबिक इसको जरूरत हो। बलूगत के मरहले के बारे में आपका अपनी बेटी के साथ बात करना बहुत अहम है। अगर आप बलूगत के लिए तैयार होने में अपनी बेटी की मदद करें तो इसकी बलूगत में मुंतकली बहुत ज्यादा हमवार हो जाएगी। इससे पहले कि आपकी बेटी बलूगत के मराहल से गुजरे इससे इन मराहल का जिक्र करें। इस बारे में भी बात करें कि इसको बलूगत की अलामात से गुजरते वक्त किन अशिया की जरूरत होगी। मुमकिन है कि आपकी बेटी आपके साथ ज्यादा बहस करना शुरू कर दे। ये भी मुमकिन है कि वो आपके साथ ज्यादा इख्तलाफ राय रखे। इसके मूड में तब्दीलियां आएंगी। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि वो खुद से कुछ बनना चाहे। जब आपकी बेटी बलूगत से गुजर रही हो और आपकी हदूद को देखने की कोशिश करे तो आपको घर में मुख्तलिफ तरज के तमाम नज्मो जबत को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें।